This mango ice cream will be an absolute hit this summer because it requires only 3 basic ingredients and 10 minutes of preparation time. So let's make this. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 इस तरह की mangoes ली है. ये अल्फांजो है, आपके वहाँ पे जो भी मीठी वाली mango है उसे use करें और इस तरह से chop कर ले. और अब उसे add कर देंगे एक bowl में और इसकी puree बना लेंगे. और अब मैंने दूसरे रफ यहाँ पे एक दूसरा बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप जितना चिल्ड व्हिपिंग क्रीम. ये नॉन डेरी है और ऑलरेडी स्वीटन वाला है. आप अपने वहाँ पे जो भी ब्रांड अवेलेबल है वो यूज़ करें और उसे हैंड या फिर इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर ले सॉफ्ट पिक आने तक. मैंने यहाँ पे बीटर नहीं था इसलिए ब्लेंडर का भी यूज़ किया है. और अब ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस. एसेंस ऑप्शनल है. और अब ऐड कर देंगे हमारी मैंगो प्यूरी को और इसे हम अच्छे से सॉफ्टली मिक्स कर लेंगे. तो हमारा आइसक्रीम बैटर अब रेडी है. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप मैंगो के पीसेस. अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, बट ये बहुत ही अच्छे से लगते हैं हमारा आइसक्रीम में. और अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक एयर टाइट कंटेनर में और इसे कवर कर देंगे इसके ढक्कन से. अगर ये नहीं है तो क्लिंग रैप भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसे ओवरनाइट फ्रीज कर दे या फिर 6 से 8 घंटे. तो हमारा आइसक्रीम सेट होके अब रेडी हो चुका है. आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी एंड रिच लग रहा है और इसका नेचुरल कलर भी बहुत ही अच्छा सा आया है. हमने यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं की है और ये विदाउट आइसक्रीम मेकर है. इसे अपने फेवरेट टॉपिंग से गार्निश कर दे और सर्व करे. सो बेसिक इंग्रेडिएंट्स से हमने माइंड बोगलिंग फ्लेवर का आइसक्रीम बना लिया है. एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी देन कमेंट बिलो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.